प्रदेश में होने वाले उपचुनाव सहित वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के मिशन रिपीट के लिए धर्मशाला में मंथन चल रहा है। धर्मशाला में भाजपा वर्किंग ग्रुप हिमाचल प्रदेश की दो दिवसीय बैठक शुक्रवार को शुरू हुई, जिसमें भाग लेने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर धर्मशाला पहुंचे। बैठक में भाग लेने से पहले मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में पहुंचकर वहां पर फतेहपुर उपचुनाव के टिकट चाहवान भी समर्थकों सहित सीएम के समक्ष हाजिरी लगाने पहुंचे थे। दो दिवसीय बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ये सब तय किया गया। प्रदेश में फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र और मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद के चुनाव होने हैं। इसके लिए भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। बैठक में पार्टी के केंद्रीय संगठन के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पंजाब हरियाणा हिमाचल के प्रभारी सौदान सिंह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना एवं सह प्रभारी संजय टंडन भी भाग ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी शामिल हुए। भाजपा वर्किंग ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में आगामी रणनीति निश्चित तौर पर बनाई जाएगी। बैठक में वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा होगी, उसके उपरांत जो निष्कर्ष होगा उसी पर काम किया जाएगा। विपक्ष के आरोपों पर सीएम ने कहा कि विपक्ष का काम ही कहना है। जब हम विपक्ष में थे तो हम भी कहते थे, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है, उसे निभाने दी जाए। कुल्लू प्रकरण पर सीएम ने कहा कि जो भी आवश्यक कार्रवाई की जानी थी वो कर दी गई है। धर्मशाला पहुंचे हैं और महत्वपूर्ण बैठक भी भाजपा की होने जा रही है, क्या कुछ रणनीति जो है भाजपा उपचुनावों को लेकर बनाने जा रही है? निश्चित रूप से जब बैठक है तो रणनीति बनेगी। आगे की योजना पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से वरिष्ठ नेताओं के साथ हमारी आज चर्चा होगी और उसके बाद जो भी चीजें होंगी तो उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। सर, कहीं ना कहीं विपक्ष ये कह रहा है कि नेता जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी की अधिकारियों पर पकड़ नहीं है, अधिकारियों में डर नहीं है। उनके कहने से होगा कुछ क्या? विपक्ष में जो आदमी होते हैं वो ऐसे ही कहते हैं। हम भी वीरभद्र सिंह के खिलाफ या दूसरे जो कांग्रेस के नेता होते उनके खिलाफ बोलते थे। अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनको निभाने दीजिए, हमें क्या करना वो तय नहीं करेंगे, हम तय करेंगे। सर, कुल्लू में जो एसपी और पुलिस के बीच जो विवाद हुआ, जो आवश्यक कार्यवाही थी कर दी गई उसमें।